आ गए हो सचिन? यस सर, नमस्ते सर। स्टार्ट कर दूं? हेलो स्टार्ट कर दूं सचिन? चलो बात करता हूं विस्कस फ्लो की। विस्कस फ्लो की बात करता हूं। कोई ऐसी लिक्विड है जिसमें विस्कोसिटी है। विस्कोसिटी मींस फ्रिक्शन इन लिक्विड। विस्कोसिटी मीन्स फ्रिक्शन इन लिक्विड। जब भी लिक्विड में कोई बॉडी मूव करेगी तो उसके मोशन को ऑब्स्ट्रक्शन आएगी, दैट इज विस्कोसिटी। और विस्कोसिटी के लिए एक लॉ है, एक नियम है विस्कोसिटी के लिए। विस्कोसिटी के लिए एक लॉ, कौन सा लॉ है? दैट लॉ इज नोन एज स्टॉक्स लॉ। ये स्टॉक्स लॉ है। स्टॉक्स लॉ क्या कहती है कि मान लो कोई एक विस्कस लिक्विड है। लिक्विड के अंदर मान लो किसी बॉल को अगर हम इस डायरेक्शन में किसी वेलोसिटी से मूव करेंगे, वी वेलोसिटी से मूव करेंगे, तो इस बॉडी पे एक बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगी जो कि ड्रैगिंग नेचर की होगी। और इस ड्रैगिंग फोर्स की मैग्नीट्यूड दी जा सकती है। ड्रैगिंग फोर्स की मैग्नीट्यूड कितनी होगी? तो स्टॉक्स कहता है कि ड्रैगिंग फोर्स की मैग्नीट्यूड होगी 6 पाई ईटा आर वी। ड्रैगिंग फोर्स की मैग्नीट्यूड कितनी होती है? 6 पाई ईटा आर वी। 6 एक कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, ईटा भी कांस्टेंट है, और बॉडी की आर भी कांस्टेंट है। तो इस पूरे कांस्टेंट को अगर बी लिख दो तो ड्रैगिंग फोर्स होती है बी इंटू बी। ड्रैगिंग फोर्स क्या होती है? ड्रैगिंग फोर्स केवल स्पीड के प्रोपोर्शनल होती है, स्पीड पे डिपेंडेंट होती है। लिक्विड में अगर कोई बॉडी मूव करती है तो बॉडी की स्पीड अगर बढ़ जाती है तो ड्रैगिंग फोर्स भी बढ़ जाती है, स्पीड घट जाती है तो ड्रैगिंग फोर्स भी घट जाती है। और अगर किसी बॉडी पे स्पीड जीरो हो गई, स्पीड क्या हो गई? जीरो, तो उस बॉडी पे ड्रैगिंग फोर्स भी जीरो हो जाती है। ये स्टॉक्स लॉ होती है। वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखी जा सकती है? इन वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखी जा सकती है? देखो लिक्विड के अंदर ना, लिक्विड के अंदर बॉल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी बी, जबकि इसके अपोजिट फोर्स लग रहा था ड्रैगिंग एफ डी। दोनों के बीच की एंगल कितनी है? 180 डिग्री है, 180 डिग्री का वेरिएशन। इसीलिए अगर वेक्टर फॉर्म में ड्रैगिंग फोर्स को लिखी जाएगी तो ड्रैगिंग फोर्स इज माइनस बी वी इस तरीके से रिप्रेजेंट करी जाती है। रियल में लिक्विड हो या गैस ड्रैगिंग फोर्स एफ डी हमेशा रहती है। और FD = -BV नियम को फॉलो करती है। इसी नियम के अकॉर्डिंग
इसी नियम को फॉलो करती है। तो ओवरऑल बस एक फॉर्मूला याद रखनी है, स्टॉक्स लॉ क्या है, स्टॉक्स लॉ इज नथिंग बट ड्रैगिंग फोर्स इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आर बी, 6 पाई ईटा आर बी। ईटा इज कॉफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी, कॉफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी। आर इज रेडियस ऑफ द बॉल, रेडियस ऑफ बॉडी दैट इज मूविंग इन लिक्विड, दैट इज मूविंग इन अ फ्लूइड। किसी लिक्विड या गैस में मूव कर रही हो उसकी रेडियस। एंड वी इज द स्पीड, वी इज अ स्पीड ऑफ बॉडी। तो इस वे में ड्रैगिंग फोर्स को लिखी जाती है 6 पाई ईटा आर वी। मान लो एक केस लेता हूँ, केस वन। मान लो हमने क्या किया, यहाँ पे एक कंटेनर है। कैसे पता चलेगा किस लिक्विड की कितनी विस्कोसिटी है, कम है ज्यादा है? तो आप देखेंगे कंटेनर में दो अलग अलग लिक्विड ले लो। कंटेनर में क्या करो, अलग अलग लिक्विड ले लो। ये हो गई लिक्विड वन और ये हो गई लिक्विड टू। अब क्या करो, सेम हाइट का ले लो, सेम हाइट है, हाइट एच, और यहां से सेम बॉल को गिराओ। तो जिसकी बॉल पहले यहां पहुंचेगी उसकी विस्कोसिटी कम होगी, उस पे विस्कस फोर्स कम लग रहा होगा। मान लो ये वाली बॉल 2 सेकेंड में यहाँ पे पहुंचता है और ये वाली बॉल मान लो 3 सेकेंड में पहुंचता है। तो इसका मतलब ये हो गया, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड सेकेंड इज मोर, लिक्विड सेकेंड इज मोर। एंड ऑल्सो विस्कस फोर्स ऑफ लिक्विड सेकेंड इज मोर। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम बता पाएंगे, जिसमें ज्यादा समय लग रहा हो समझ जाओ कि उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है और वो मूव करेगा तो उसको अपोज करने वाला एक विस्कस फोर्स होगा। तो इस केस में जनरली क्या दिखती है कि जैसे ही आप बॉल को यहाँ पे गिराओगे, यहाँ पे मान लो लिक्विड के अंदर पे यहाँ पे छोड़ दिया, तो जैसे ही धीरे धीरे, पहले क्या होती है, नीचे mg काम करती है, पहले तो बॉडी रेस्ट में है तो विस्कस फोर्स हो गई जीरो, ड्रैगिंग फोर्स हो गई जीरो। बॉडी की मास है m, अब ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट किया नीचे, एक्सेलरेशन है शुरू में बॉडी के पास, लेकिन जैसे ही थोड़ा दूर नीचे आएगा इसके पास एक वेलोसिटी हो जाएगी भी, और इसके वजह से इस पे एक फोर्स लगने लगेगा पीछे की तरह, ड्रैगिंग फोर्स, नीचे mg लगेगी। तो यहाँ होगा क्या, इसको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, बॉडी पे एक फोर्स लगेगी mg, नीचे ऊपर में एक ड्रैगिंग फोर्स लगेगा और इसकी स्पीड v होगी, और ये नीचे एक्सेलरेट कर रहा होगा। कितने से एक्सेलरेशन कर रहा होगा, एक्सेलरेशन होती है रिजल्टेंट फोर्स बाय मास। तो देखो क्या हो गई, एक्सेलरेशन थोड़ी कम हो गई, जी माइनस एफ डी वाई। देखो एक्सेलरेशन कम हो रही है, एक्सेलरेशन क्या हो रही है, ड्रैगिंग फोर्स का फॉर्मूला लिख दो 6 पाई ईटा आर वी बाय एम। तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसकी एक्सेलरेशन कम होती जाएगी। तो एक ऐसा समय आएगा कि किसी टाइम पर बॉडी की एक्सेलरेशन हो जाएगी जीरो। बॉडी की एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, एक्सेलरेशन हो जाएगी जीरो। और उसके बाद क्या होगी, जब बॉडी की एक्सेलरेशन हो जाएगी जीरो तो एक्सेलरेशन को जीरो कर देंगे, जी माइनस 6 पाई ईटा आर वी टी बाय एम, ऐसे लिखेंगे। तो वी टी कैलकुलेट कर सकते हैं, वी टी क्या हो जाएगी, वी टी की वैल्यू हो जाएगी mg ओवर 6 पाई ईटा आर।
इस तरीके से लिखी जा सकती है, इस तरीके से लिखी जा सकती है। और मास को कैसे लिख सकते हैं? मास को लिख सकते हैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, 4/3 πr³, वॉल्यूम हो गई, डेंसिटी रो हो गई जी, ओवर 6π ईटा r। तो बीटी की वैल्यू क्या हो जाती है, सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लेंगे तो ये 2 और ये 3, तो 2/9, एक आर भी कट गई, 2/9 r² ρg ओवर पाई ईटा। देखो ये आती है, दिस इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। ये वेलोसिटी क्या कहलाती है? टर्मिनल वेलोसिटी। ये वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी कहलाती है। कर जब हम लोग मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे वहां पे भी ये टर्म यूज होगी, टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, इसको डिफाइन कर सकते हो आप? वीटी और टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, क्या होती है टर्मिनल वेलोसिटी? जब बॉडी पे टोटल फोर्स हो जाए जीरो, जब बॉडी पर लगने वाली टोटल फोर्स जीरो हो जाए, टोटल फोर्स क्या हो जाए, टोटल फोर्स जीरो हो जाती है, जाती है उस समय विस्कस लिक्विड के अंदर, विस्कस लिक्विड के अंदर बॉडी की वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी कहलाती है, टर्मिनल वेलोसिटी कहलाती है। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, जैसे ही आप इसको गिराओगे, यहाँ पे गिराने के बाद क्या होगी, पहले तो इसका स्पीड बढ़ेगा, पहले रेस्ट में था, इसकी स्पीड थोड़ी ज्यादा हुई, इसकी स्पीड और ज्यादा हुई, इसकी स्पीड और ज्यादा हुई, लेकिन उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा, उसके बाद चेंज नहीं करेगा, उसके बाद स्पीड में कांस्टेंसी आ जाएगी, हमेशा वीटी 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 से ही आगे बढ़ेगा, दैट इज टर्मिनल वेलोसिटी। दैट इज टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी के साथ बॉडी एक कांस्टेंट स्पीड से आगे बढ़ती है। यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पर साइज को हमने नेगलेक्ट कर दिया, साइज ऑफ बॉडी को नेगलेक्ट करके चला था, नेगलेक्ट करके चला था। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर नेगलेक्ट नहीं करते तो एक और फोर्स काम में आती, बॉयंसी भी तो बॉडी पे लगती, तो अगर मैं साइज को नेगलेक्ट ना करूं, इसकी रेडियस है आ, और मान लो भी वेलोसिटी से नीचे जा रही है, तो एक एमजी नीचे लगेगी, और क्योंकि नीचे जा रही है तो लिक्विड क्या लगाएगा, ऊपर की ओर ड्रैगिंग फोर्स लगाएगा 6π ईटा r v, और क्योंकि लिक्विड के अंदर है तो बॉयंसी फोर्स भी लगेगी, बॉयंसी फोर्स पता है mg/σ/ρ, ऐसे लिखते हैं, जब भी बॉडी पूरी लिक्विड के अंदर होती है तो बॉयंसी फोर्स ऐसे ही तो लिखते हैं mg σ/ρ, सिग्मा इज द लिक्विड डेंसिटी, रो इज द बॉडी डेंसिटी, इस तरीके से लिखते हैं। तो इस तरीके से जब फोर्सेस लगेंगे तो एक ऐसा समय आएगा कि ऊपर लगने वाले जो दो फोर्सेज हैं, कौन कौन से हैं, mg σ/ρ और 6π ईटा r v, ये जो दो फोर्स हैं mg से बैलेंस हो जाते हैं, तो उस समय जो स्पीड रहती है दैट इज कॉल्ड टर्मिनल स्पीड, टर्मिनल वेलोसिटी। कितनी होगी निकाल सकते हैं, 6π ईटा r v प्लस बॉयंसी फोर्स हो गई mg σ/ρ, इन दोनों ने मिलकर वेट को बैलेंस कर लिया, तो 6π ईटा r v t उस साइड mg कर देंगे तो आ जाएगी 1 - σ/ρ। हमें टर्मिनल स्पीड निकालनी है तो टर्मिनल स्पीड क्या आ जाएगी, mg ओवर 6π ईटा r 1 - σ/ρ, ये आ जाएगी।
और मास की वैल्यू रख सकते हैं। मास को क्या लिखते हैं, अगर स्फेरिकल बॉडी है तो मास को लिखते हैं 4/3 πr³ इंटू डेंसिटी। ये चीजें यहाँ पे रखना पड़ेगा। टर्मिनल वेलोसिटी क्या आ जाती है, 4/3 πr³ इंटू रो इंटू जी ओवर 6π ईटा r। और यहाँ पे रो एलसीएम लेंगे तो रो माइनस सिग्मा, तो रो से रो कैंसिल आउट हो जाती है, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाती है। तो यहाँ पे टर्मिनल स्पीड आ जाती है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 आ जाएगी, तो आ जाती है 2 r, एक r भी कट जाएगी यहाँ पे, तो 2r² / 9 ईटा रो माइनस सिग्मा इंटू जी। ये टर्मिनल स्पीड की फेमस क्वेश्चन इक्वेशन है। ये VVI फॉर्मूला है, इसी से क्वेश्चन आता है। जनरली क्वेश्चन में पूछा जाता है कि टर्मिनल स्पीड और बॉडी के साइज का ग्राफ बताओ। तो टर्मिनल स्पीड देखो r² पे डिपेंड कर रही है, तो इसकी ग्राफ कुछ ऐसे आ जाएगी, पैराबोलिक आ जाएगी। ग्राफ क्या आ जाएगी, पैराबोलिक आ जाएगी। तो ये हमारी टर्मिनल वेलोसिटी होती है। टर्मिनल वेलोसिटी आ गया समझ में। जब भी किसी विस्कस लिक्विड में बॉडी को गिराएंगे उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, दैट वेलोसिटी इज द टर्मिनल वेलोसिटी। और ये हर जगह होता है, ऐसा नहीं पानी के अंदर ही। जैसे हम लोग पैराशूट में देखते हैं, पैराशूट में क्या करते हैं, पैराशूट के अंदर जब पैराशूट को ओपन करते हैं, पैराशूट को जब ओपन करते हैं तो क्या होती है, शुरुआत में नीचे की तरफ गिरता है, लेकिन हवा का जो ड्रैगिंग फोर्स ऊपर लगता है पैराशूट में, है ना, पैराशूट में जो हवा ऊपर की तरफ एक ड्रैगिंग फोर्स लगाता है वो यही लगाता है 6π ईटा rₑ टाइप में। ये भी वेलोसिटी से नीचे जा रही होती है और टोटल वेट होती है mg। तो जब ये बैलेंस कर लेता है mg 6π ईटा rₑ को, तो बड़े आराम से इस टर्मिनल वेलोसिटी से स्लोली स्लोली गिरता है। तो इस वेलोसिटी से पैराशूट नीचे आती है, ये वो वेलोसिटी है जिससे पैराशूट नीचे आती है, ये वो वेलोसिटी है जिससे पैराशूट नीचे आती है। नीचे आती है। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। हम लोग जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ेंगे वहां पे भी बहुत सारे केसेस देखेंगे टर्मिनल वेलोसिटी के। और कौन सी लॉ है इसमें, विस्कोसिटी में। विस्कोसिटी में एक और लॉ है कि मान लो, उस लॉ को बोली जाती है पॉइज़ले लॉ, वो भी काफी इम्पोर्टेंट है, पॉइज़ले लॉ। पॉइज़ले लॉ क्या है कि मान लो किसी एक कंटेनर है हमारे पास, और कंटेनर है रफ, रफ कंटेनर से अगर लिक्विड फ्लो होगी ना, तो यहाँ साइड वाइज में, साइड में लिक्विड रेस्ट में रहेगी। और मान लो इस साइड का प्रेशर है P1 और इस साइड की प्रेशर है P2,